हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इस टाइप का फूड बनाने सिखाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को एकदम हार्ड फेस स्मूथ एंड देख सकते हैं बैकग्राउंड में अपना फोटो लगाना कैसे लगाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए, तो देख ही सकते हैं कितना औसम तरीके से फ़ोटो बनाया हूँ अपना। तो आप लोग भी इस टाइप से बना सकते हैं। तो अपनी रियल पिक को कुछ इस टाइप से ले लेना है, तो यहाँ से देख सकते हैं रियल पिक हमारा कितना बेकार था। इसको सबसे पहले शेयर करना है स्नैपशीट के अंदर, तो स्नैपशीट में शेयर करेंगे और टूल्स पे टून इमेज पे करेंगे क्लिक, और यहाँ से कुछ स्टेप से हम इसको बढ़ा देंगे। कुछ स्टेप से देख सकते हैं आप लोगों को बढ़ा देना है, मैंने इसको इतना बढ़ा, डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ से डिटेल्स पे शार्पनिंग को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इससे एकदम डिटेल्स क्वालिटी एकदम हाई हो जाता है। तो सॉरी बैक कर, यहाँ से डन कर देंगे। और इतना करने के बाद यहाँ से देख ही सकते हैं टूल्स पे, तो टून इमेज पे करने के बाद यहाँ से देख हाईलाइट को फुल्ली माइनस कर देना है आप लोगों को। जितना भी हाईलाइट हो वो माइनस हो जाएगा, एकदम क्लियरिटी फोटो में आ जाएगी। तो देख सकते कैसा था कैसा हो चुका है। शेयर करेंगे लाइट रूम के अंदर, तो एक प्रीसेट दिया हूँ वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा रियल पिक है, और ये देख सकते हैं प्रीसेट है। तो ये आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बताया था तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से एकदम हार्ड प्रीसेट है। तो आप लोग वन क्लिक में बन जाएगा, तो थ्री डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग करके टिक करके यहाँ से डन करके और अपने फोटो के अंदर कर देना है पेस्ट। तो पेस्ट सेटिंग कर देंगे, वन क्लिक में हमारा फोटो बन जाएगा। तो देख सकते हैं थोड़ा लोड हो गया वन क्लिक में, देख सकते हैं कितना हार्ड हो चुका है वन क्लिक में आप लोग देख सकते। और इसको शेयर कर लेंगे, तो शेयर करेंगे ऑटोडेस्क के अंदर, तो सबसे पहले देख सकते हैं कुछ हम यहाँ से कर लेंगे। तो ऑटोडेस्क के अंदर हम शेयर कर लेते हैं कुछ, अब हम करेंगे फेस स्मूथ एकदम हार्ड। जो मैं ब्रश बताऊंगा वो एकदम अच्छा ब्रश होगा, और आप लोग एकदम फेस स्मूथ एकदम हार्ड होगा, किसी ने नहीं बताया होगा। तो देख सकते हैं ये वाला ब्रश आप लोगों को ले लेना है, फ्लो को 5 और स्ट्रेंथ को 10 रखना है, और फेस स्मूथ एकदम हार्ड होता है, एकदम मतलब कि स्मूथ एकदम हार्ड। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ आराम से आप लोग चला देना है, इससे ब्रश छोटा बड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ से एकदम आराम से चला देना है, देख सकते हैं गोल गोल चलाएंगे तो ब्लैक ब्लैक का प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो देख सकते हैं तो कितना हार्ड स्मूथ होने लगा है, देख सकते हैं। तो आप लोग इस तरह आप लोग चलाएंगे तो ब्लैक ब्लैक नहीं आने वाला, तो देख सकते गोल गोल एकदम आप लोग चला देना है। और तो हम वीडियो के यहाँ से फास्ट कर लेंगे कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो फास्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फेस स्मूथ कितना हार्ड हो चुका है, तो यहाँ से देख सकते हैं कितना हार्ड फेस स्मूथ हो चुका है। तो इसको हम शेयर कर लेंगे कुछ स्टाफ से, तो शेयर पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं शेयर पे क्लिक करेंगे और अदर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम फोटो रूम के अंदर इसको शेयर कर लेंगे, एकदम हार्ड ब्लर करेंगे। और वहाँ से आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ से बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाता है, तो हम यहाँ से ब्लर करेंगे कुछ स्टाफ से। थोड़ा लोड हो रहा है, आप लोगों को नेट ऑन कर लेना है यहाँ से, तो देख सकते हैं तो थोड़ा ये मतलब कि देख सकते हैं स्कैन हो रहा है, तो एकदम इससे बैकग्राउंड एकदम हट जाता है, एकदम मतलब कि आप लोग बैकग्राउंड को कट भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड को ब्लर भी एकदम हट कर सकते हैं वन क्लिक में। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड पे आप लोगों को क्लिक कर देना है ब्लर का ऑप्शन, और यहाँ से गोसिंग पर क्लिक करके यहाँ से 35 के लगभग बढ़ा लेंगे। तो देख ही सकते हैं कुछ स्टेप से मैं कर लेता हूँ, एकदम मैं इतना ही रखूँगा, आप लोग जितना हार्ड रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं शेयर कर लेता हूँ, तो शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं पिक्सआर्ट के अंदर कर लूँगा शेयर। तो यहाँ से पिक्सआर्ट पे हम क्लिक कर देंगे कुछ स्टेप से, देख सकते हैं आप लोग। तो इतना करने का पिक्सआर्ट के अंदर आ चुके हैं, फोटो रूम वाटर मार्क को हम हटाएंगे वन क्लिक में। तो यहाँ से देख सकते हैं टूल्स पे रिमूव वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, देख सकते हैं, और यहाँ से वन एकदम आराम से साइज बढ़ा करके चला देना है, देख सकते हैं रिमूव पर क्लिक कर दिया हूँ और एकदम वन क्लिक में हट जाएगा, एकदम देख सकते हैं हट चुका है। तो डन पे क्लिक कर देंगे, तो आप लोगों का रिटच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है कुछ स्टेप से, और हेयर कलर पर क्लिक करेंगे तो लिप्स कलर करेंगे, एकदम हार्ड होता है यहाँ से पिक्सआर्ट से। आप और सारे ऐप हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से करता हूँ क्योंकि भी यहाँ से अच्छा हो जाता है, देख सकते हैं कुछ स्टेप से मैं कर लूँगा एकदम अच्छे से। तो आप लोग भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको पूरे फुल कर देंगे और इसको जितना डार्क रखना चाहें उतना डार्क रख सकते हैं कुछ स्टेप से। तो देख ही सकते हैं आप लोग कितना मतलब कि जहाँ पर लगा हो वहाँ पर आप लोग लगा लेना, मतलब जहाँ पर जितना डार्क रखना है वहाँ पर रख लेते हैं कुछ स्टेप से। करने के बाद यहाँ से देख ही सकते हैं, तो यहाँ से मैं अरेंज कर दूँगा, एकदम एडजस्ट कर लिया हूँ, डन पर क्लिक कर देंगे। और इतना करने के बाद देख सकते हैं कैसा था कैसा हो चुका है। तो आप लोगों को अब क्लिक कर देना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे और कलर्स वाले, देख सकते हैं यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा जौन सा कलर मतलब कि आप लोगों को डबल करना है वो कलर कर सकते हैं। देख सकते हैं रेड करके यहाँ से आप लोगों को देख, पहले तो ये मैं इरेज कर देता हूँ जो आँखों पर आया है, और सेव पर क्लिक कर देना है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ से सेव पर, और ये वाला पहला वाला ले सकते हैं आप लोग, तो देख सकते हैं इतना करने के बाद यहाँ से
और यहाँ से कर देंगे और यहाँ से कर देंगे एकदम जितना बड़ा रखना चाहें। तो डबल कलर देख सकते हैं कितना आसानी हो चुका है, जितना मतलब कि पहले तो एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, जितने मतलब कि आधे स्क्रीन में कर लीजिएगा। तो देखिए वन क्लिक में हो चुका है, आप लोग अब यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, कुछ स्टेप से देख सकते हैं जौन से आप रखना चाहें वो कलर रख सकते हैं। तो यहाँ से ग्रीन कलर रख लेता हूँ, कुछ डन कर देंगे और यहाँ से डन करने के बाद देख सकते हैं कितना हार्ड हो चुका है। तो अब आप लोगों को यहाँ से ये वाली पिक को डाउनलोड कर लेना है, तो हम बैकग्राउंड में यही पिक लगाएंगे। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड हो चुका है। तो आप लोगों को ऐड फ़ोटो को क्लिक कर देना है, कुछ इस टाइप से ऐड फ़ोटो क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं ये फ़ोटो आ चुका है। तो इस पर क्लिक कर देंगे और ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देख सकते हैं सेव पर क्लिक करना है और देख सकते हैं इस सेव पर, और ये देख सकते हैं गोल गोल आ चुका है। यहाँ से एकदम अच्छे से आप लोगों को जितना बड़ा रखना चाहें उतना रख सकते हैं और एकदम आराम से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, तो कुछ स्टेप से यहाँ से डुप्लीकेट कर करके आप लोगों को कर लेना है। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, कुछ स्टेप से आप लोगों को रख लेना है, तो यहाँ पर भी मैं रख लेता हूँ और यहाँ से मैं डुप्लीकेट इसको भी करूँगा, तो यहाँ पर भी रख लेता हूँ। जितना साइज आप लोग बड़ा रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना फ़ोटो इससे कितना हार्ड बनता है, एकदम हार्ड होता है। तो आप लोग कितना हार्ड हो चुका है, तो एक बार और ऐड फ़ोटो क्लिक करना है आप लोगों को, मतलब इसका अगर आप लोग बॉर्डर भी लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लग जाता है। तो सबसे पहले एक बार ऐड फ़ोटो क्लिक कर देंगे और यहाँ से एक बार और फ़ोटो ले लेते हैं, कुछ भी ट्रांजेक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ ये वाला ले लेते हैं, ये वाला देख सकते हैं कुछ अलग मतलब कि अच्छा फ़ोटो बनाएंगे तो आप लोग एकदम हार्ड से गाएंगे। तो यहाँ से बड़ा करेंगे कुछ इस टाइप से, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, तो बॉर्डर भी लगा के दिखाएंगे आप लोगों को कि इसमें मतलब वाइट वाइट बॉर्डर कैसे लगाते हैं, तो वो भी लगा के दिखाएंगे। तो कुछ इस टाइप से बड़ा करेंगे, एडजस्ट करने के बाद देख सकते हैं इसी पर आप लोगों को अच्छे से एकदम एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद बॉर्डर पर यहाँ से क्लिक करेंगे, जितना वाइट वाइट बॉर्डर रखना चाहें उतना रख सकते हैं। ऐसे ही सभी पे क्लिक करके आप लोग बॉर्डर रख सकते हैं, देख ही सकते हैं। अगर देख सकते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ।